राजस्थान विरासत स्थल में दुनिया का सबसे पहला नंबर है। आपको घूमने का मौका मिले तो सबसे पहले एक नंबर पर जल महल देखने का प्लान बनाइएगा। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के महल है, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थलें हैं। ऐतिहासिक स्थल है इतिहास में समेटा हुआ राजस्थान का एक प्रमुख ऐतिहासिक विरासत है। यहाँ अनेक प्रकार की ऐतिहासिक चीजें हैं, संसार का समेटा हुआ विरासत यहाँ पर है। इसमें सबसे बेशकीमती जल महल है, इसका देखने की बहुत सुनहरा जल महल कहा जाए। जल महल पानी में रहते हुए भी आज वो खराबियाँ किसी प्रकार की कमी टिका नहीं हुआ। राजस्थान के जयपुर जल महल किस तकनीकी से बनाया गया है? बनाया गया आज तक पानी में खड़ा हुआ है, पानी में खड़ा हुआ है। आज इस तकनीकी के बारे में 300 साल पहले इसे बनाया गया। आज राजस्थान के आमेर के राजा इस महल का निर्माण कराया, क्योंकि उस समय देश राज्य में भारी अकाल पड़ने के कारण इससे अजमेर में आजमगढ़ पहाड़ी से निकलने वाली नदियां को पानी को इकट्ठा कर एक झील मानसागर झील बनाया, इससे जिसके अंदर पानी के अंदर 3 आंतरिक दरवाजे बनाए गए थे। अब बात किया जाए जल महल को किस तकनीकी से बनाया गया कि आज तक उसी तरह खड़ा हुआ है। चलिए उस तकनीकी के बारे में जानेंगे। यह इमारत 5 मंजिल जल महल है। इस झील में राजा के सुंदर आकर्षक बनाने के लिए राजा ने इस आकर्षक में सैर करने आते थे। यह झील में आकर्षक राजा जय सिंह सवई ने इस झील का निर्माण किया। इसी के अंदर 5 मंजिल महल बनवाकर खड़ा किया। वो अपनी रानियों के साथ और पुरोहितों के साथ यहाँ घूमने के लिए आते थे। यह आकर्षित है, यह चारों ओर से जल में के अंदर था और इसकी सुंदरता बहुत थी। इसी में वो लोग अपना सैर करने आए। 4 मंजिल पानी के अंदर, 1 मंजिल ऊपर दिखाई देता था, 1 मंजिल पानी। 5 मंजिल में से 4 मंजिल जल के अंदर और 1 मंजिल जल के ऊपर बना है, ऊपर दिखाई देता है। इसकी बनावट आकर्षक है। यह इसके बनाने के लिए चूना पत्थर और मोटे मोटे दीवारें थी। इस महल को आकर्षक करने के लिए यहाँ पिकनिक स्पॉट के लिए तैयार किया, यहाँ घूमने के लिए आते थे। और यह महल बहुत आकर्षक है, जिसकी दीवारें मोटी मोटी है, जिसके कारण से आज तक ले टिका है। इसमें निकासी द्वार नहीं है। इसको खूब सुंदर से तैयार किया गया, इसलिए आज तक टिका है। यह चूना पत्थर के और मोटी मोटी दीवारें बनाई गई है, इसलिए आज जल में खड़ा हुआ है। अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले तो इस जल महल को अवश्य देखिएगा। और इसकी बनावट बहुत आकर्षक है और सुंदर है, जिससे मनमोहक है, जिसे लोग देखते ही आकर्षित है। राजस्थान में तो बहुत सी विरासत स्थल है, उसमें से एक यह एक भिन्न प्रकार के है, जिससे लोग पहले राजस्थान के पहले नंबर पर आता है।